इस कोरोना काल में जहां हर दिन संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करें, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर होने पर आप जल्द ही कोरोना के शिकार हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आप मास्क पहने, अच्छे से बार बार हाथ धोएं, शारीरिक दूरी बनाए रखें। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज है कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं ताकि संक्रमण से आसानी से बचा जा सके। नाश्ते में प्रोटीन डाइट लें। प्रोटीन डाइट लेने से हमारे शरीर में हेल्पर टी सेल्स को जनरेट करने में मदद मिलती है। ये टी सेल्स हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली सेल्स को एनर्जी देती है। आप नाश्ते में दलिया, उबली हुई दालें, सलाद, साबुत अनाज, स्प्राउट्स खा सकते हैं। घर की छत या बालकनी में धूप के वक्त कुछ समय जरूर बिताएं, क्योंकि धूप हमारे शरीर में मौजूदा इन्फेक्शन से फाइट में मदद करने वाली टी सेल्स को एनर्जी देने का काम करती है। रोजाना 8 से 9 घंटे नींद ले। नींद हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। प्रतिदिन 1 घंटा व्यायाम करें। एक्सरसाइज से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है और तेजी से ब्लड सेल्स यानी WBC बनता है। ये ब्लड सेल हमारे शरीर में अगर कोई वायरस पहुंच जाता है तो उसे मारने का काम करती है। गिलोय पाउडर। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय पाउडर भी कारगर हो सकता है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। गिलोय पाउडर के रोजाना सेवन से शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। अश्वगंधा पाउडर। इम्यूनिटी बढ़ाने में अश्वगंधा पाउडर को भी कारगर माना गया है। इसका यूज भी आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। आंवला या आंवले का पाउडर। आंवले में भी अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायता करता है। हल्दी वाला गर्म दूध। रोजाना हल्दी दूध का सेवन करने के बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें इम्यूनिटी का बढ़ाना भी शामिल है। अगर आपको अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो रोजाना सुबह शाम हल्दी वाला दूध का सेवन करें।